बात बारिश के कहर की। तेज बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ आ गई है। पूर्वोत्तर में सिर्फ असम में ही बाढ़ से 29 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। शहर के कई इलाकों में जाम लग गया। बारिश की वजह से कल्याण और डोंबिवली के बीच ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के गोंदिया में अस्पताल में पानी भर गया। बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला, नागपुर, औरंगाबाद में भारी बारिश की आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और मुंबई में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कल रात से ही लगातार बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश का असर ट्रेनों पर भी पड़ा। नागपुर में भी भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई के सायन में बारिश के बाद क्या हालात हुए हैं, अमित कुटेचा की इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई में हो रही सुबह से जोरदार बारिश के यहाँ पे कुछ विक्टिम्स मेरे साथ खड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सर, आपका नाम? आकाश। आप यही इसी इलाके में रहते हैं? हाँ। तो ये कितने सालों से इस समस्या देख रहे हैं आप, जलभराव की? ये तो बचपन से देख रहा हूँ। बचपन से देख रहे हैं। तो कभी कुछ ऐसा देखा है कि BMC आके कुछ ऐसे ठोस कदम उठा रही है वगैरह इन सब चीज़ को हटाने के? नहीं, खाली अभी मतलब 5-6 साल से खाली वो मशीन लगता है निकालने के लिए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं लगता है? वो भी बहुत टाइम लगता है, वो पानी निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है। जी, यहाँ पे 20 साल से पानी भरा, 20-25 साल से हम जब से पैदा हो गए तब से पानी भर रहा है यहाँ पे। जी, तो कभी कुछ ऐसे कुछ कदम नहीं उठाए? यहाँ पे कुछ पंप लगाए गए, लेकिन ये पंप से कुछ फायदा तो होने रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा। चारों तरफ से पानी आ रहा है, उधर बार बार जमा हो रहा है। जी, गाड़ी का मुसीबत हो रहा है। अभी गाड़ी देखो, हमारे बंद पड़ गए। सर, आपका नाम? जगन्नाथ। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं? बचपन से इधर ही है। क्या आपने कभी कुछ ऐसे देखा, बचपन से आप रहते हैं, कभी कुछ आपने देखा यहाँ पे कि कुछ BMC कुछ ऐसे कदम उठा रही है? BMC कुछ कदम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि हर साल इधर पानी भरती है। वो पंप गाली लगाते हैं, पंप से पानी बाहर जाते हैं, बाकी कुछ कदम उठा नहीं। आज संडे है तो आप सब घर पे रहते होंगे, तो इसलिए आज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा, नहीं तो आमतौर पर बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है। DS स्कूल रहते ना, इधर से जा नहीं सकते, फिर ऊपर से जाना पड़ता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से बच्चे बूढ़े जो भी बचपन से रहते आ रहे हैं, लेकिन आज संडे होने की वजह से थोड़ी सी राहत नज़र आ रही है। वैसे राहत नहीं है, वर्किंग डे होता तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि लोगों को कितनी तकलीफें हो सकती थी। कैमरामैन मोहन आगरे के साथ अमित कोटेचा, जी मीडिया, मुंबई। उधर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी का बहाव भी काफी तेज है। असम के 9 जिलों में बाढ़ का काफी असर पड़ा है। यहाँ के 82 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ से काफी तबाही हुई है, फसल चौपट हो चुकी है। सरकार ने लखीमपुर और कोकराझार में बाढ़ राहत शिविर लगाए हैं। यहाँ के करीमगंज, शिवसागर, धुबरी में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाढ़ का पानी नीचे ना उतरने से मुश्किलें अभी बरकरार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है और सड़कों पर भी पानी है। लोगों को आने जाने में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं, और कुछ टेम्पररी पुल भी बनाए गए हैं। 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पुल भी बीच में टूट गया। गनीमत यह रही कि लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असम में ये हर साल की बात है, और हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में इसी तरह उफान आता है और भुगतना पड़ता है आम लोगों को। और गुवाहाटी में बाढ़ के कैसे हालात हैं, अंजनिल कश्यप की इस रिपोर्ट में देखिए। यूं तो असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। अप्रैल से सितंबर के बीच असम में हर साल बाढ़ आते रहता है, लेकिन इस साल 6 जिले अभी तक बाढ़ग्रस्त हो चुका है, जिनमें 3.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ग्रस्त हैं।
और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना या कुछ उनकी मदद सरकार उन तक पहुंचा नहीं पा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ असम सरकार की एक बैठक हुई और उस बैठक में राजनाथ सिंह ने आश्वासन तो दिया कि असम सरकार को समुचित व्यवस्था दी जाएगी, सारे सुविधाओं दी जाएगी ताकि बाढ़ग्रस्त लोगों को उबार सके, लेकिन ये व्यवस्था और ये सांत्वना सालों साल चली आ रही है। आंसू का कहना है कि असम में बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बाढ़ की समस्या नामक एक दुकान बन गई है, सेंट्रल फंडिंग करती है और वो फंड कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। फिलहाल गुवाहाटी से अंजनील कश्यप, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश के विदिशा में जोरदार बारिश से सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। स्कूल के अंदर तेजी से पानी भरा और बच्चे डर गए। रोते हुए बच्चों को किसी तरह सुरक्षित जगह पर भेजा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा की है। यहां जोरदार बारिश हुई और उसके बाद पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों के लिए खासकर बहुत मुश्किल हो गई, वो डर भी गए। ये स्कूल का नजारा आप देख रहे हैं, स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है। बच्चों को किसी तरह समझा बुझाकर और उनको सुरक्षित वहां से हटाया गया। वो रोने भी लगे, डर भी गए, सहम भी गए और ऐसे में उनको किसी तरह वहां से निकाला गया। फिलहाल स्कूल बंद हैं। तो बारिश का कहर ना केवल महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश, असम, गुजरात हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली वालों को अभी भी बारिश का इंतजार है। एक दो दिन जरूर हुई है लेकिन अभी भी इंतजार है कि बारिश हो और कम से कम जो उमस भरी गर्मी है उससे दिल्ली वालों को राहत मिले।